नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नमस्ते इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ। यह सेशन आपके अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज के लेसन में हम शॉपिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। हर कोई शॉपिंग करता है और हम दुकान या मॉल जाते हैं सामान खरीदने के लिए। दुकान या मॉल जाने पर हमें बहुत सारे वस्तुएं हमारी ज़रूरत की मिल जाती हैं, पर कुछ हमें ढूंढनी पड़ती है। कई बार हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं और कई बार हमें शॉपकीपर या सेल्स पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में अंग्रेजी में किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए हमें कोई विशेष जानकारी, पढ़ाई या सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमें कुछ ऐसे कीवर्ड या की फ्रेजेज याद करने होते हैं जिनका उपयोग करके हम विभिन्न परिस्थितियों में एक अच्छी अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको क्या चाहिए। अगर यहाँ से कोई बात आपको शुरू करना चाहिए कि जैसे अगर आप बोलने चाहते हैं कि मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो आपको क्या चाहिए इसके लिए वाक्य को आई डिड लाइक और कुड आई हैव से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे 2 किलो चावल चाहिए कृपया, या कृपया मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो इसको आप बोल सकते हैं आई डिड लाइक 2 kg ऑफ राइस प्लीज़। ऐसे अगर बोले कि मुझे 2 लीटर या 2 लीटर दूध चाहिए, तो आप बोल सकते हैं आई डिड लाइक टू हैव 2 लीटर ऑफ मिल्क प्लीज़। ठीक उसी तरीके से यदि आप कोई चीज़ को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए आपको एक अलग अंग्रेजी में फ्रेज है, उसके लिए आप आई एम लुकिंग फॉर और आई नीड जैसे फ्रेज का उपयोग करते हैं। जैसे मैं एक पियानो की तलाश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ पियानो। अगर ठीक उसी तरीके से अगर आपको बोलना है मुझे कुछ अच्छी किताबें चाहिए, तो आप इसको बोल सकते हैं आई नीड सम गुड बुक्स। ठीक इसी तरीके से अगर आपको कुछ सामान चाहिए और आपको दुकानदार से पूछना है कि क्या आप वो सामान बिक्री करते हैं आपकी पसंदीदा सामान को, तो आप उसको बोल सकते हैं। अगर जैसे अगर आप कहना चाहें कि आप फूल बेचते हैं, तो आप उनको पूछ सकते हैं डू यू सेल फ्लावर। ठीक किसी तरीके से यदि आपको बोलना है क्या आप फल भी बिक्री करते हैं, तो आप बोल सकते हैं डू यू सेल फ्रूट्स ऑल्सो। तो आपने देखा कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को जानकर आप या फ्रेजेस को जानकर आप अपनी शॉपिंग को और दिलचस्प बना सकते हैं। ऐसे ही तरह के हम बहुत सारे टिप्स आपके लेके आते हैं। इन सारे टिप्स को जानने के लिए, देखने के लिए आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। नमस्कार।